रोटरी क्लब दिल्ली साउथ की आज पद ग्रहण समारोह में मैं आप सबको बधाई देता हूं। प्रदीप जी, अनिल अग्रवाल जी, अनूप मित्तल जी, सभी रोटरियन को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। विशेष रूप से अनिल अग्रवाल जी की पूरी टीम को मेरी बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां कि उनके नेतृत्व में रोटरी क्लब दिल्ली जन कल्याण और सामाजिक कल्याण का काम करेगा। रोटरी क्लब के सदस्य पूरे विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में मानव सेवा का पुण्य कार्य करते हैं। उनके समाज सेवा के कार्य कोरोना महामारी के दौरान भी उल्लेखनीय रहे हैं। हमें खुशी है कि रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष के रूप में भारत से श्री शिखर मेहता जी ने पदभार ग्रहण किया है। उनके नेतृत्व में पूरे विश्व में रोटेरियन मानवता सेवा और जन कल्याण और पूरे विश्व के अंदर किस तरीके से हम भारत के संस्कार विचारों के आधार पर संपूर्ण विश्व का कैसे कल्याण कर सकते हैं, उसमें मेरा कैसे योगदान हो सकता है, इसके लिए भी रोटरी क्लब अध्यक्ष शिखर मेहता जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से काम होगा। रोटरी क्लब विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने कोरोना के समय सरकार के साथ मिलकर काम किया और वंचित वर्गों की सहायता के लिए संकल्पित प्रयास किए। रोटेरियन ने केवल भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर इस कोरोना संकट महामारी के दौर में चिकित्सीय सेवा के साथ साथ सामाजिक सेवा के पुण्य का भी काम किया। उन्होंने जहां चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बड़ा काम किया, वहीं पर उन्होंने वंचित वर्ग की सेवा के लिए भी बहुत काम किया। सदस्यों ने मुफ्त भोजन हो, राशन हो, सैनिटाइजर हो, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हो, कोविड देखभाल केंद्र हो, तमाम जगह किस तरीके से मानव सेवा का काम किया जा सकता है, उसके लिए एक अग्रणी भूमिका के रूप में समस्त रोटेरियन ने इस देश के अंदर भी पूरे विश्व में काम किया। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन अभी कोरोना संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज में जन जागरूकता करें, समाज को जागृत करें, ताकि कोरोना की तीसरी वेव नहीं आए। मुझे आशा है इसके लिए भी रोटेरियन समाज के हर क्षेत्र में व्यापक रूप से जन जागरण का व्यापक अभियान करेंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से प्रभावी तरीके से तभी लड़ा जा सकता है जब सभी सामाजिक संस्थाएं सरकार के प्रयास से में सहयोग करें, जनता के कष्टों को दूर करने का प्रयास करें। आप लोग प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़े होते हैं, इसलिए आप उनकी तकलीफों को बेहतर तरीके से समझते हैं तथा उनका उचित समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। आप जनता और सरकार के बीच में एक सेतु का कार्य भी करते हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि स्वास्थ्य सेक्टर में आप लोगों ने व्यापक सक्रियता से काम किया, विशेष रूप से पोलियो उन्मूलन के लिए पूरे विश्व स्तर पर आपके प्रयास उल्लेखनीय है। आपने सरकार से, सिविल सोसाइटी से, समाज से मिलकर एक बीड़ा उठाया था कि इस देश के अंदर पोलियो उन्मूलन करना है और उस पर आपने सफलता प्राप्त की है। यही रोटेरियन की पहचान है। जिस लक्ष्य को लेकर चलते हैं उसकी सफलता के लिए व्यापक प्रयास करते हैं। आज इन सब चीजों को अगर हम सामूहिक रूप से देखते हैं तो सामाजिक संस्थाओं के सामूहिक प्रयासों के कारण ही हम
कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला कर पाएं। आज हमें इस चुनौती का और मुकाबला करना है, इसके लिए हमें और व्यापक प्रयास करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम किस तरीके से आने वाले समय के अंदर भारत में के गांव के अंदर, दूर दराज इलाके के अंदर, आदिवासी इलाके के अंदर किस तरीके से चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वह अभाव वंचित गांव जहां पर सरकार भी नहीं पहुंच पाई है, हमारी सामाजिक संस्थाएं, रोटरी जैसी संस्थाएं वहां पर चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करें, लंबी एक कार्य योजना बनाएं ताकि हम हर कोई महामारी आए उसका मुकाबला कर सकें। निश्चित रूप से रोटेरियन जहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ शिक्षा साक्षरता के लिए भी काम कर रहे हैं। मुझे पिछली बार शिखर जी ने कहा था कि हमारी कोशिश है कि हम शिक्षा साक्षरता के अंदर कई जिलों को हम पूर्ण रूप से शिक्षित कर सकें। इसके लिए उस गांव के अंदर जितने भी 50 वर्ष से उम्र के ज़्यादा लोग हैं जो शिक्षित नहीं हैं, मैंने एक सर्वे किया था कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में। मैंने वहाँ पर जब इस तरीके से विद्यालय शुरू किए तो मैंने देखा कि वहाँ पर 50 साल से उम्र के ज़्यादा लोग, 70 से 75% लोग शिक्षित नहीं थे और उसके कारण वहाँ पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। मैंने उस गांव के अंदर वहाँ पर ही बीएड करने वाली एक महिला को और एक पुरुष को तैयार किया कि आपकी सेवाएं इस गांव के अंदर मिलनी चाहिए। और उस गांव में लगातार प्रयास करने के बाद 6 महीने के अंदर उस गांव की तमाम महिलाएं जो कभी स्कूल नहीं गई थी, पढ़ने जाना भी कोशिश नहीं करती थी, सरकार ने भी कई बार साक्षरता का अभियान चलाया लेकिन फिर भी वह प्रयास सफल नहीं हुए। लेकिन सामाजिक सेवा के प्रयास सफल होते हैं, इसका उदाहरण मैंने देखा। और उस गांव में 100% लोग पढ़ने लिखने लगे और हस्ताक्षर करने लगे। यही काम अब रोटेरियन ने भी बीड़ा उठाया है। मुझे आशा है कि आप जहां पर साक्षरता में काम करेंगे, पर्यावरण संरक्षण में काम करेंगे, कौशल विकास के माध्यम से गांव के अंदर महिलाओं को बेहतरीन काम करने का काम करेंगे, आपने ब्लड बैंक के माध्यम से भी कई जगह अच्छे काम किए, एम्स के अंदर भी आपने कैंसर अस्पताल की स्थापना के लिए आप कार्य कर रहे हैं, आपकी संस्था विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जहां भी आप अभाव देखते हैं उन अभावों के आधार पर आप काम करना चाहते हैं। आपकी संस्था एक टीम के रूप में काम करती है और कोई भी संस्था अगर सामूहिक नेतृत्व से एक टीम के रूप में काम करे, समर्पण सेवा भाव से काम करे, सक्रिय रूप से काम करे तो निश्चित प्रयास सफल होते हैं और लक्ष्य भी पूरे होते हैं। आपके स्वास्थ्य सेवा का कार्य तभी सफल हो सकता है जब हम सब सरकार, अन्य सिविल सोसाइटी, समाज के साथ सामूहिकता से मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका हर कार्य, हर लक्ष्य सफल होगा। मैंने आपकी भविष्य की कार्य योजना का अध्ययन किया है। मेरे विचार में यदि उनका सही क्रियान्वयन हो तो समाज के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे जानकारी दी कि आपने आने वाले समय में मेधावी छात्रों को प्रतिभा छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे तथा जन्मजात हृदय दोष वाले शिशुओं के लिए जिनके धन का अभाव है, जो सर्जरी नहीं करा सकते, उसके लिए आप सर्जरी के लिए भी योगदान देंगे, कुष्ठ रोग निवारण के लिए भी आप व्यापक काम करेंगे। हमें कई क्षेत्रों के अंदर व्यापक काम करने की आवश्यकता है। आप विशेष रूप से महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए भी आपका संकल्प वचनबद्ध है। मुझे लगता है महिला शिक्षा और साक्षरता के अंदर आने वाले समय के अंदर भारत में रोटेरियन विशेष रूप से काम करेंगे, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं। आप अपने अपने क्षेत्रों में सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों से निरंतर संपर्क में रहें, उनके सुझाव, उनके अनुभवों का लाभ उठाएं
और उनके साथ मिलकर किस तरीके से हम उस क्षेत्र की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, कैसे उन क्षेत्र के अभावों को दूर कर सकते हैं, एक दूसरे लोग मिलकर आपस में अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करें, एक जनप्रतिनिधि हो, सामाजिक सेवा में काम करने वाले हों, सब मिलकर अगर सामूहिकता से काम करेंगे तो उस क्षेत्र के अंदर हम जो जो भी अभाव वहाँ पर देखेंगे उन अभावों को दूर करने का काम करेंगे। और इसीलिए एक सामाजिक कार्यों के लिए एक SOP तैयार होनी चाहिए कि किस गांव, किस ढाणी के अंदर, किस क्षेत्र के अंदर क्या समस्या है, और उसका रिसर्च करके, अध्ययन करके उस समस्या का समाधान भी करेंगे, और गांव के अंदर कोरोना के बाद जो बेरोजगारी हुई है हम किस तरीके से गांव की महिलाओं को, नौजवानों को रोजगार से जोड़ सकते हैं। ये बात सही है कि आप दिल्ली शहरी क्षेत्र में हैं, लेकिन हमें शहरी क्षेत्र से हटकर उन कच्ची बस्तियों के अंदर जाना चाहिए जहां लोग बेरोजगार हैं, 2-5-10 गांव भी एडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हमारा काम ये होना चाहिए कि हम किस तरीके से उनको रोजगार दे सकें। अनिल अग्रवाल जी खुद SOCM के अध्यक्ष रहे, वो जानते हैं किस तरीके से हम किसी प्रोडक्ट को यहाँ उत्पादन करें और उसका मार्केट नेशनल इंटरनेशनल मार्केट भी देने का काम करें, क्योंकि उत्पादन के साथ साथ उसकी मार्केटिंग की भी आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इस दिशा के अंदर रोटरी क्लब साउथ काम करेगा तो एक व्यापक प्रयास के माध्यम से हम लोगों को, महिलाओं को, नौजवानों को रोजगार दे सकेंगे। और विशेष रूप से हमें यह भी कोशिश करना चाहिए कि उन घरेलू महिलाओं को घर में रहकर ही हम किस तरीके से रोजगार से जोड़ सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट करी हुई चीजों को खरीदें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका मार्केट उपलब्ध कराएं, तो एक घर बैठी महिलाओं को हम व्यापक रूप से काम करने का काम कर सकते हैं। इसके लिए एक व्यापक विजन की आवश्यकता है, जो आप सब लोग जो जुड़े हैं, मैं देख रहा हूं कि बड़े विजन के लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपने व्यापार, उद्योग, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन उनके मन में समाज की सेवा करने का संकल्प है, विचार है, उनकी योजना है कि हमारा भी योगदान इस समाज में रहना चाहिए। मैं सभी रोटरियन को इसके लिए विशेष रूप से बधाई देता हूं। मैं पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।